सुनते हैं कैसे बढ़ रहा है बिहार। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर से हम कराएंगे रूबरू। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पटना में कुछ घूमने वाली लोकप्रिय जगहों के बारे में। वैसे दोस्तों, उससे पहले मैं आपको पटना की कुछ इतिहास के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको पटना देखने में ज़्यादा लुत्फ आएगा और आप पटना को समझ सकेंगे। पटना गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित समृद्ध और प्राचीन विरासत की एक पृष्ठभूमि है, जो अपने शानदार ऐतिहासिक अतीत के साथ एक प्रभावशाली उपस्थिति का दावा करती है। पटना को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। आपको बता दें, पटना को मूल रूप से पाटलिपुत्र के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में पटना भारत के कई प्रमुख और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों का घर होने के साथ ही कलाकृतियों, स्मारकों और भव्य वास्तुकला विरासत के भरपूर है, जो बीते युग की झलक दिखाता है। बिहार की राजधानी पटना का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। यह जगह हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित एक ऐसा शहर है जो अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। पटना सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है और इसलिए सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अगर आप पटना घूमने का विचार बना रहे हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखें। हम आपके लिए इसमें हर तरह की पटना से जुड़ी हुई जानकारियां आपसे साझा करेंगे, जिनमें पटना के प्रमुख तीर्थ स्थल, पटना के प्रसिद्ध मंदिर और पटना संग्रहालय और यहां घूमने के लगभग जगहों के बारे में आपको बताएंगे। गोलघर। गोलघर पटना का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और एक सरल लेकिन आकर्षक वास्तुकला है, जो इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है। गोलघर का निर्माण 1786 में कैप्टन जॉन गास्टिन ने एक गोदाम के रूप में अनाज को स्टोर करने के लिए करवाया था। बताया जाता है कि गोलघर को इसकी अधिकतम क्षमता तक कभी भरा नहीं जा सका, क्योंकि इसकी इंजीनियरिंग में गलती हो जाने की वजह से इसके दरवाजे सिर्फ अंदर की तरफ खुलते थे। गोलघर स्तूप आकार की संरचना है, जो 145 सीढ़ियों से घिरा हुआ है। यह संरचना 125 मीटर चौड़ी और 3.6 मीटर मोटी है। गोलघर से गंगा नदी के शानदार दृश्य को भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि गोलघर को पटना की उस समय की सबसे ऊंची इमारत होने का गौरव भी प्राप्त था। महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु पटना में स्थित असम के सबसे बड़े पुल भूपेन हजारिका सेतु यानी ढोला सादिया पुल के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल है। भारत में स्थित महात्मा गांधी सेतु 5.7 किलोमीटर तक गंगा में फैला हुआ है। इस पुल का नाम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। इस पुल में दोनों तरफ 4 लेन की सड़कें और पैदल चलने के लिए भी जगह है। ये पुल दैनिक वाहनों के परिवहन का एक हिस्सा है। पुल से नीचे देखने पर गंगा नदी के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं, पर फिलहाल ये पुल अपनी जर्जर अवस्था में है, पर अभी इस पर काम चल रहा है और इस पुल को फिर से नई दिशा दी जा रही है। पटना साहिब गुरुद्वारा पटना शहर में स्थित सिखों का प्रमुख तीर्थस्थल है, जिसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। पटना गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है और उन्हीं की याद में इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इस गुरुद्वारे में सिखों के कई धर्म ग्रंथ देखे जा सकते हैं। ये जगह सिखों के अधिकार के 5 तत्कालिक या पवित्र सीटों में से एक हैं। आपको बता दें कि इस स्थान पर मूल रूप से सालिस राय जौरी की हवेलियां थीं, जिनको धर्मशाला में बदल दिया गया था, क्योंकि वह गुरु नानक के एक भक्त थे। अगर आप पटना आएं तो आप धर्मशाला यानी के गुरु नानक जी के मंदिर जरूर जाएं। संजय गांधी उद्यान।
संजय गांधी वनस्पति उद्यान पटना में घूमने की एक अच्छी और प्राकृतिक जगह है। आपको बता दें कि इस पार्क को संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 1969 में स्थापित किया गया था, जो शहर में भरपूर प्रकृति और हरियाली का स्रोत रहा है। यह उद्यान पटना चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पर वनस्पति जीव जंतुओं की कई किस्में हैं। इस पार्क में हाथी की सवारी और बच्चों के लिए टॉय ट्रेन भी उपलब्ध है। पाटन देवी मंदिर। पाटन देवी मंदिर को मां पटनेश्वरी के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यह पटना में सबसे पवित्र और सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि पटना ने इसका नाम पाटन देवी से लिया था। यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र और पुराने मंदिरों में से एक है, क्योंकि यह हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 51 शक्ति पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा पूरे शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया गया था, तब उनकी दाहिनी जांघ यहां गिरी थी। महावीर मंदिर। महावीर मंदिर पटना का एक प्रमुख तीर्थस्थल है, क्योंकि यह उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर है। यह मंदिर हनुमान की पूजा के लिए समर्पित प्रमुख मंदिरों में से एक है। देश के विभिन्न कोने से हनुमान जी के भक्त इस मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के बारे में यह माना जाता है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करता है तो संकट मोचन हनुमान उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। इसलिए इस मंदिर को मनोकामना मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये मंदिर पटना जंक्शन के हाथे में ही पड़ता है। बुद्ध स्मृति पार्क। बुद्ध स्मृति पार्क को बुद्ध मेमोरियल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। यह पटना में स्थित एक बहुत बड़ा और खूबसूरत पार्क है। आपको बता दें कि इस उद्यान में एक स्तूप और ध्यान करने के लिए एक अलग पार्क भी है। यह उद्यान एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान बुद्ध की राख को रखा गया है। साइंस सेंटर। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र 1978 में निर्मित पटना की एक ऐसी जगह है जो विभिन्न सिद्धांतों को प्रदर्शित करने के लिए अद्भुत प्रदर्शनों का एक संग्रह है। ये जगह खास रूप से बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय है, जो एक अच्छे शैक्षिक दौर प्रदान करती है। अब आपको पटना के बेहतरीन रेस्टोरेंट के बारे में बताते हैं। पिंड बालूची। जी हाँ, रिवॉल्विंग रेस्तरां। आपने सुना होगा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पटना के स्थित देश का सबसे बड़ा घूमने वाला रेस्टोरेंट है, जो पटना के सबसे ऊंचे टावर बिस्कोमान भवन की 18वीं मंजिल पर स्थित है। यह रेस्तरां जर्मन तकनीकों की मदद से 45, 60 या 90 मिनट में एक रेवोल्यूशन लेता है। यानी आप खाना खाते हुए पटना को चारों तरफ से देख सकते हैं। छोटी दरगाह। छोटी दरगाह पटना से 30 किलोमीटर दूर मनेर में NH-30 पर स्थित है। एक 3 मंजिला मकबरा है, जिसको मनेर शरीफ के रूप में भी जाना जाता है। ये मकबरा पटना में स्थित एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। इस दरगाह में 1616 में मुस्लिम संत मखदूम शाह को दफनाया गया था, जिसकी वजह से यह आसपास के इलाकों में मुसलमानों के लिए एक लोकप्रिय दरगाह है। इस दरगाह के सामने एक बड़ा टैंक है। 1619 में इब्राहिम खान ने इस परिसर में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। मौर्य लोक। मौर्य लोक पटना के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में से एक है, जो लोगों की ज्यादातर शॉपिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है और पटना के यूथ्स यहां घूमने के लिए हमेशा हर शाम आते हैं। और यहां पर चाट के साथ आपको तरह तरह की पकवानें और चाइनीज का लुत्फ भी आप यहां उठा सकते हैं। खुदाबख्श लाइब्रेरी। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में 1891 में स्थापित मुगल और इस्लामी धर्म ग्रंथों का एक बहुत बड़ा संग्रह है, जिसमें कुरान का एक 25 मीटर चौड़ा संस्करण भी शामिल है। इस लाइब्रेरी में नादिर शाह की तलवार भी है। इस लाइब्रेरी में करीब 2.5 लाख के करीब किताबें हैं। हंगामा वर्ल्ड।
हंगामा वर्ल्ड 2014 में निर्मित एक बहुत ही लोकप्रिय वाटर थीम पार्क है। इस वाटर थीम पार्क में 4 स्विमिंग पूल और वाटर राइड्स भी है। हंगामा वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स में मनोरंजन पार्क और बच्चों के लिए एक खेल क्षेत्र भी है। अगर आप अपने बच्चों के साथ पटना की यात्रा कर रहे हैं तो हंगामा वर्ल्ड घूमने के लिए जरूर जाइएगा। सोनपुर मेला। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो बिहार के प्राचीन शहर वैशाली के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा या नवंबर में पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि यह मेला आमतौर पर एक पखवाड़े से एक महीने तक रहता है। सोनपुर मेला पवित्र गंगा और गंडक नदी के संगम का स्थल होने के कारण स्थान की शुभता को भी बढ़ाता है। पूर्णिमा के दौरान श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इस मेले में जानवरों और पक्षियों की सैकड़ों किस्मों का व्यापार भी किया जाता है। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियां देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।